हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम उसी मशीन के बारे में बात करने वाले जो हमने अगले वीडियो में आपसे बताए थे, एडवांस 6265 में। इतने इस मशीन के अंदर ऐसे फंक्शन भी है जो किसी को पता ही नहीं है। हालांकि मुझे भी पता नहीं आधे से ज़्यादा तो फंक्शन, फिर भी आप जिनको मेरे को जितना पता है मैं आपको उतना बताऊँगा। इस मशीन में एक तो स्कैन कर सकते हैं आप, स्कैन करके PDF कॉपी कर सकते हैं, इधर स्कैन का ऑप्शन है। इस मशीन में डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर सकते हैं, जो भी साइज चाहिए, A3, A4, इसमें बहुत सारी साइज है, लीगल साइज, STMTR, कस्टम साइज, जिस हिसाब से आप हाई ब्यूड कट करके, क्रॉप करके, MM वगैरह जो साइज़ में आप करना चाहते हो उस साइज़ में कर सकते हैं। इसमें PDF भी बना सकते हैं, JPG में कर सकते हैं, TIFF में कर सकते हैं, SPX में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें जो रहता है PDF का ही रहता है। PDF में इस मशीन में सबसे ज़्यादा तो अभी देखो स्कैन करते हैं तो ऑफिशियल वगैरह तो JPG और PDF में ही ज़्यादातर होता है। इन तीन चीज़ का तो कोई काम नहीं आता। एक चीज़ जो होता है कि किसी को KB कम ज़्यादा वो ऑप्शन का रहता है, कम KB कैसे कम करना है, कैसे ज़्यादा करना है, वो ज़्यादा किसी को भी नॉलेज नहीं होता, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे कम करना है KB, कैसे ज़्यादा करना है, वो भी इसी मशीन में ही होता है। और उसमें कंप्यूटर में भी कर सकते हैं आप, PC में भी कर सकते हैं, उससे अच्छा आसान इसी में भी होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मेरा ID कार्ड है, ये मेरा ID है। आपको एक बार हाई में करके दिखाऊंगा, एक लो में करके दिखाऊंगा कार्ड। और इस कार्ड का अच्छा क्वालिटी भी एक नंबर अच्छा आता है स्कैन करने के बाद। चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या करना है। पहले तो सबसे पहले बात ये बता दूँ आपको, स्कैन करने के लिए डायरेक्टली स्कैन नहीं होगा, इसके लिए आपको PC से मशीन कनेक्ट करना पड़ेगा। वो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको स्कैन करके दूंगा कनेक्ट मशीन। कमेंट्स करना, आपको मशीन कनेक्ट करके मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, वो मशीन कनेक्ट होने के बाद इधर आप इस ऑप्शन में जाना है, ये जो स्कैन एंड सेंड ऑप्शन दिखा है उस ऑप्शन में जाना है। उस ऑप्शन जाने के बाद एड्रेस बुक है, एड्रेस बुक में जाने के बाद इधर आपके एड्रेस आएंगे। ये मेरे तीनों मशीन PC का जो है जो एड्रेस दिया हुआ है, भवानी स्कैन है, भवानी राणा जी है जो मेरा मेन है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद जो मेन है उसमें जाएगा आपका, जो रेगुलर यूज करते हैं उसमें ओके करना है। ओके करने के बाद अभी मेन चीज़ इधर ही है। सबसे पहले तो आपको स्कैन किस में करना है, PDF में करना है, JPG में करना है, वो एक बार देख लेते हैं। अब ये हो गया अपना JPG, हो गया PDF, हो गया। अभी आपको ज़्यादातर लोग PDF ही में करते हैं तो आप PDF में ही लो। PDF करने के बाद डॉक्यूमेंट का साइज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, साइज़ लेना, साइज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज़ पहले देख लो, क्योंकि मशीन में साइज़ ऑलरेडी फिक्स नहीं आता, इसके लिए अपने को साइज़ करना पड़ता है। या तो साइज़ ऑटो आएगा या A3 आएगा, फिक्स A4 कभी नहीं आएगा आपका। तो आइए मैं आपको साइज़ फिक्स करना दिखाता हूँ। ये हो गया अपना ऑटो साइज़ आया हुआ है, इधर ऑटो साइज़ पे क्लिक करना है। फिर इधर जो नाना प्रकार की आपको ये दिख रहे हैं डिस्प्ले पे, उस पर क्लिक करके A4 करना है, ठीक है। अगर आप स्क्रीन सीधा स्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो A4, और ऐसा यूज कर रहे हैं तो A4R। ये आपका हो गया A4, ये इतना भाग है जो A4 है, और ये है गया A4R जो इतना इतना दिख रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपने जो A4 लिया है, A4 लेने के बाद क्वालिटी की बात करें तो ये देखो क्वालिटी आ गई। मैंने बोला था ना किसी को KB कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, किसी को हाई क्वालिटी का चाहिए। अगर किसी को भी उधर डॉक्यूमेंट निकालने के लिए चाहिए तो ज़्यादा क्वालिटी का चाहिए तो उधर अच्छा क्वालिटी का करने का, और किधर ही अपलोड करने के लिए गवर्नमेंट वगैरह उधर तो कम KB में चाहिए रहता है, तो कम KB के लिए इधर देखो 400 DPI। तो अपने को क्या है ना, ये अच्छा क्वालिटी का ये है, हम इस पर क्लिक करेंगे, अच्छा क्वालिटी आएगा, अच्छा क्वालिटी करने यस कर दिया। यस करने के बाद ये देखो सब सेट हो गया है। इसके बाद कलर भी कर सकते हैं, आपको फुल कलर चाहिए तो फुल कलर, ओनली ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट का ये ऑप्शन है, ऑटो कलर चाहिए तो ऑटो कलर आ गया, अपन रेगुलर वही लेने का है ऑटो कलर का। ऑटो करने के बाद ये जो बीच में रखना है, बीच में मेरा ID कार्ड रख दिया है, रखने के बाद
एक बात खासियत है, स्कैन इतना फास्ट होता है कि टेंशन नहीं। ये देखो मैं बोला ही नहीं, एक सेकंड भी नहीं हुआ उससे पहले ही स्कैन हो गया है, फर्स्ट स्कैन हो गया। मैं बैक का भी कर देता हूँ, बैक का पैन कार्ड का हालांकि कोई ज़रूरत नहीं रहता है। एक सेकेंड में स्कैन इप्सन के तो मशीन में बहुत टाइम लगता है, एक मिनट या एक मिनट से ज़्यादा लगता है, इसमें एक सेकेंड में ही हो गया। मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, आइए अब पीसी पे ले चलता हूँ आपको, उधर दिखाता हूँ। ये मेरा फोल्डर बना हुआ है स्कैन का, ये मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हैं। ये जो अभी मैंने स्कैन किया है ये वाला, ये जो देख लो आप इधर दिख रहा है स्कैन अभी किया, ये भी मैंने बहुत सारे लोगों का करके रखा है स्कैन, लेकिन वो आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। ये देखो इसका केबी वगैरह देखे तो ये कितना केबी का, 378 केबी का हुआ है। उससे कम केबी का रहेगा तो आपको कम डीपीआई में लेना है। और देखिए क्वालिटी भी कितना अच्छा है, एकदम अच्छा क्वालिटी। इसका कलर जरस निकालेंगे तो डुप्लीकेट जैसा निकलेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरे स्कैन बताने का तरीका है जो सीख गए होंगे, मैंने बड़ी आसानी तरीके से आपको सिखाया है। उसके लिए आपको पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा मशीन पीसी से, कनेक्ट करने के बाद है जो ही आप इसको स्कैन कर सकेंगे। कनेक्ट करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीसी फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट करके दूँगा। प्लस ये तो मशीन में किसी को पता ही नहीं रहता है कि इसका स्कैन भी होता है। तो दोस्तों मेरे एक कमेंट्स भी आया था, आधार कार्ड का कॉपी कैसे सेट करना है, ये जो आईडी कार्ड है इधर दिखाना भैया, ये जो आधार कार्ड का आईडी सेटिंग है ना, ये कैसे करना है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसका सेटिंग कैसे करना है, जल्दी मैं वो वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। धन्यवाद, लाइक्स कमेंट्स तो बनता ही है।